जबलपुर के जेल के कैदियों ने मिलकर बनाई दुर्गा की प्रतिमा। वहीं जबलपुर सेंट्रल जेल में 800 कैदी नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आपने तिराहों, चौराहों और मोहल्ले सहित गलियों में नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखकर भक्ति के बारे में देखा ही होगा, लेकिन जबलपुर के सेंट्रल जेल में करीब 12 कैदियों के द्वारा दो दुर्गा प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि अब शहर में आकर्षक का केंद्र बनने लगी हैं। खास बात यह है कि इन दो प्रतिमाओं को बनाने में दो अनुभवी कैदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि वर्षों से प्रतिमा बनाने का काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन सजा होने के कारण वह जेल में आ गए। लेकिन उन्होंने अपने हुनर से भक्ति को नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था से दो प्रतिमा को तैयार किया है, जिनकी मदद जेल के ही अन्य 12 कैदियों ने की है। वहीं प्रतिमा को तैयार करने में जेल में स्थित तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। गौशाला से गोबर, चारा और लकड़ी के पटाख भी कैदियों ने बनाया है। खास बात यह है, दोनों प्रतिमाओं में कुछ आकर्षक वस्त्र जेल में बंद दर्जी कैदियों ने ही बनाए हैं, जबकि बाजार से प्रतिमा के लिए कलर और सौंदर्य का सामान लाया गया था। इन दोनों प्रतिमाओं को जेल के पूर्वी और पश्चिमी खंड में रखा गया है, जहां विद्युत साज सज्जा के साथ ही सैकड़ों कैदी सुबह शाम मां की आराधना में लीन रहते हैं। वहीं जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मुताबिक नवरात्रि के पर्व में करीब 800 बंदियों के द्वारा 9 दिन का उपवास रखा गया है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा बाकायदा फलाहार की भी व्यवस्था की गई है। अंदर ही एक तालाब है, उसकी मिट्टी ली जाती है। इसके साथ साथ में इसमें जो गोबर और उसका जो पैरा वगैरह जो लगता है, वो भी हमारे गौशाला से ही लगता है। और जो उसके अलावा इसमें कलर या कुछ कपड़ों की आवश्यकता होती है सजाने की, तो वो हम बाज़ार से क्रय करके कितने 10 से 15 बंदी काम करते हैं, उस पर दो मूर्तियां तैयार करने। वहीं दोनों खंडों में कैदी पंडित भाई के द्वारा ही पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें सैकड़ों कैदी आरती के दौरान शामिल होते हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। वहीं इस वर्ष माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन गौरी घाट में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज़।